आज हम देखने वाले हैं रेशम का धागा से नेकलेस सेट कैसे बनाते हैं। इसके लिए पहले हम आज रेशम का धागा से चूड़ी कैसे बनाते हैं देखते हैं। चूड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए फैब्रिक ग्लू, कटर, रेशम का धागा, प्लास्टिक की चूड़ी, नई वाली हो या पुरानी वाली हो चलेगा, पतला वाला या मोटा वाला, या मेटल की पुरानी चूड़ी भी चलेगी, और स्टेंसिल। स्टेंसिल का लंबाई चाहिए 12 इंच और चौड़ाई चाहिए 4 इंच या 5 इंच। हम धागा को हाथ में ऐसे पकड़ के और दूसरे हाथ में स्टेंसिल के ऊपर टाइट रख के आगे पीछे धागा को स्टेंसिल के ऊपर लेके जाना है। एक बार आगे पीछे लेके जाने से वो एक बार होता है, वैसे 25 बार धागा को लेके जाना है। 25 बार धागा स्टेंसिल के ऊपर लेने के बाद उसको धागा को टाइट पकड़ के फिर कटर के सहायता से उसको काट दीजिए। काटने के बाद ध्यान रहे कि ये 25 धागा चपटा रखना है और उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा दीजिए और सब धागे पे फैब्रिक ग्लू डालिए और ध्यान में रहे कि धागा चपटा ही होना चाहिए। फिर चेक कीजिए कि एक धागा ऐसे खाली पड़ा है कि क्या। अगर एक धागा खाली है तो उसको निकाल दीजिए, नहीं तो ये धागा को नीचे रखने के बाद आप चूड़ी लेके उसके अंदर के भाग पर फैब्रिक ग्लू लगाइए। फिर ये 25 धागा को चूड़ी के किनारे की अंदर की तरफ रख के उसको दबाइए। ध्यान दे कि धागा चपटा ही होना चाहिए और चूड़ी के किनारे के अंदर होना चाहिए। फिर इसको सूखने दीजिए। अभी धागा चूड़ी पे सूख गया है तो हम इसको लपेटना शुरू कर सकते हैं। तो धागा को चपटा ही रख के उसको चूड़ी के आगे पीछे लेके जाना है और जब आगे लेके जाते हैं दूसरी उंगली से उसको चपटा करना है ताकि धागा चिकना रहे। और फिर जब हम दूसरी लाइन शुरू करते हैं तो ध्यान दे कि धागा थोड़ा आगे होना चाहिए, माने पहले जब जहाँ पे धागा आया था उससे थोड़ा आगे होना चाहिए और ये उंगली दूसरी उंगली से उसको चिकना करना चाहिए ताकि वो जॉइंट जो है वो दिखे ना। इस तरह हम धागा को चूड़ी के आगे पीछे लेके उसको पूरा हम कवर करना है रेशम के धागा से। और धागा
ठीक से बैठने के लिए और वैसे ही रहने के लिए अंदर के भाग पे फैब्रिक ग्लू लगाइए और फिर धागा लपेटना चालू कीजिए। तो ये ध्यान में रखना है कि फैब्रिक ग्लू हाथ में या उंगली में नहीं लगना चाहिए और ये रेशम के धागे के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर फैब्रिक ग्लू का दाग लग गया वो निकलता नहीं है और दाग दिखता है। तो हाथ हमेशा साफ रहना चाहिए और जो उंगली हम रेशम की धागा लपेटने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उंगलियां बहुत साफ रहना चाहिए। तो इस तरह आप पूरा चूड़ी पे लगा दीजिए। तो अगर धागा ख़त्म हुआ तो हम दोबारा दूसरे धागे से हम शुरू कर सकते हैं। अभी इसको जो ख़त्म होने वाला है धागा उसको कैसे हम चिपकाए ये हम अभी देखेंगे। जब धागा ख़त्म होने वाला है तो उसको चूड़ी के अंदर की भाग के किनारे के बाहर किनारे के अंदर होना चाहिए। उसके हिसाब से आप उसको काट दीजिए।